डीजे बजाते मौलवी हुआ नाराज, निकाह पढ़ने तो कर दिता इनकार। बिना निकाह पढ़े सारे पांची लाड़ी। ये तस्वीर उस निकाह दिया ने जिथे मौलवी साहब नाराज हो गए अते बिना निकाह पढ़े ही घर तो रुखसत हो गए। दरअसल इत्थे निकाह दे विच डीजे बजाया जा रहा सी अते डीजे बजाउण नूं लै के ही मौलवी साहब नूं इन्ना गुस्सा आ गया कि उह बिना निकाह पढ़े ही इस घर तो चले गए, जिसका नतीजा यह होया कि बिना निकाह पढ़े ही मापिया नूं अपनी धी की डोली तोरनी पई अते धी भी बिना निकाह पढ़े ही सहुरिआं घर पहुँच गई। यह मामला अमेठी दा है। अमेठी दे इक घर दे विच निकाह दा फंक्शन चल रहा सी। इस दौरान डीजे भी चल रहा सी अते इसे ते भड़के मौलवी दे वल्लों यह कह दिता गया कि जे डीजे चलेगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। मौलवी साहब नाराज हो के इस घर तो चले गए अते निकाह भी नहीं पढ़िया गया। मजबूर मापियां दे वल्लों बरात नूं भी जो गज वज के आई सी शांतमई ढंग नाल भेजना पिया ते अपनी धी नूं भी बिना निकाह पढ़े ही डोली विच विदा कीता। लड़की दे पिता दा कहना है कि उन्हां दी जो बदनामी हुई है ते खाने दी बर्बादी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। उन्होंने भी इल्जाम लगाए ने कि मौलवी दे वल्लों दोनों परिवारों तो निकाह पढ़न दे लई 11,000 रुपए मंगे गए सन, पर किते भी इस्लाम दे विच ए नहीं लिखा गया है कि पैसे लैके निकाह पढ़िया जाए। इसी गल तो वह नाराज भी ने, नाल ही उन्होंने भी कहा है कि जो बरात बिना खाना खाए वापस मुड़ी है, जो उन्हों का खाना बर्बाद होया है, जो उन्हों की साज सजावट बर्बाद हुई है, बदनामी हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा। इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुला कर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाई उसको बारात चली गई लेकर, तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तोबा करवाई ना। तोबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 वे दिए, उसके बाद हम निकाह पढ़ गए, तो कहा 11,000 पर तोबा हुआ था। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तोबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेजती की हीन, ये चार जने कहे गए बेजती की हीन, हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से, हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। दूजे पासे मौलवी का कहना है कि ये पहला ही तय हो चुका सी कि निकाह दे विच डीजे नहीं बजेगा क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत दे विच डीजे चलाना निकाह दे विच बिल्कुल मना है अते परिवारां ने पहले इस गल की हामी भी भरी सी। मौलवी का कहना है कि पहले ही कह दिता गया सी कि जे निकाह च डीजे बजिया तो निकाह नहीं पढ़नगे, पर फिर भी परिवार ने गल नहीं मनी, तो यही कारण है कि वह बिना निकाह पढ़े उस घर तो चले आए। दस दिए कि सोशल मीडिया से भी कुछ दिन पहला एक वीडियो वायरल हुई सी जिस विच मौलाना की मीटिंग हुई, तो मीटिंग दे विच फैसला लिया गया सी कि किसी भी निकाह दे विच डीजे नहीं चलेगा, जिथे डीजे वजेगा उथे निकाह नहीं पढ़िया जाएगा, तो इसी का हवाला ही मौलवी के वालों भी दिता गया। 15 दिन पहले दोनों पार्टी लड़के और लड़के वाले भी मेरे घर आए थे, मुझसे बात हुई तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भाई मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा, अगर डीजे बाजा आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता कोई जुगाड़ बताइए, मैंने कहा इसमें शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कोई रास्ता नहीं है, बेहतर यह है कि आप डीजे ना लाइए और जो भी करना हो अपने वही पैसा खाने पीने में लगा दीजिए, जैसा भी हो जहाँ समझो उचित वहाँ लगा दो। बहरहाल कहीं ठीक नहीं आएगा। उसके बाद में परसों फिर हम लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया, फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं डीजे नहीं आएगा, और हम बात हो गई है आप लोग चलिए। हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ, और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया, और रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। फिलहाल उधर बिना निकाह पढ़े लाड़ी भी सौरे पहुंच गई, तो फिर दोनों परिवारों दे सहमति दे नाल ते रजामंदी दे नाल एक दूसरे मौलवी नु बुला के दोनों का निकाह पढ़िया गया, ते सौरा घर दे विच ही कुड़ी का निकाह मुकम्मल होया।